वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तानी ट्रक। आज हम आपके लिए तीन चार गाड़ियों का इकट्ठे रिव्यू लेकर आए हैं और वो है जैक का। तो इसमें एक X200 वेरिएंट है और दूसरा है 1042 का, उसके बाद से है 1020 का और ये X200 में भी दो वेरिएंट है। तो इन तमाम के तमाम का हम आज आपको रिव्यू दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिटेल लेते हैं इस गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम सर। प्याज भाई, इसकी हमें डिटेल बताएं, कितने सीसी है और इसकी प्राइस वगैरह। 2771 सीसी है, ठीक है, और टर्बो इंटर कूलर है, ठीक हो गया, और ये 14 फीट है। सही। और इसकी जो अपना कैपेसिटी है वो लोड की वो 5.5 टन है, ठीक हो गया। और इसकी प्राइस क्या है? प्राइस इसकी इस वक्त मौजूदा जो चल रही है वो 28,50,000 है। 28,00,000 35,000 ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रांसपोर्टेशन समेत, ठीक हो गया। 28,50,000 इसकी प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन के 35,000 रुपये लेते हैं। और अगर पाकिस्तानी ट्रक के रेफरेंस से कोई आए तो डिस्काउंट हो सकता है, डिस्काउंट वगैरह, ठीक हो गया। जैसी हम आपको भाई रियाज का नंबर इसी वीडियो में शो करवाते हैं वीडियो के आखिर में। अभी हम चलते हैं 1042 के बाद 1020 का, या इसकी हमें डिटेल बताएं और प्राइस भी बताएं। ये जो है 1020 है, इंजन दोनों का सेम ही है, ठीक हो गया। और जो है ना ये सादी है, टर्बो नहीं है इसमें। अच्छा, उसमें टर्बो है और ये सादी है। इसमें टर्बो है, टर्बो इंटरकूलर है, इंटरकूलर भी इसमें लगे हुए। अच्छा, ठीक, ये सादी है, इसमें टर्बो नहीं है, ठीक हो गया। ये 12 फुट है। अच्छा, इंजन दोनों का सेम है, ठीक है। और ये 5 टन पास है, ठीक है। और जो अपने इसकी जो मौजूदा प्राइस अभी करंट चल रही है वो 24,75,000 है। 24,75,000 रुपये इसकी प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन के अलग हैं और ये 35,000, ठीक हो गया। 12 फुट की इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ जो है वो 14 फुट है और उस पर 5.5 टन पास है और इस पर जो है वो 5 टन पास है, ठीक है। और ये सादा है, वो टर्बो इंटर कूलर है, ठीक हो गया। 2475 और उसकी 2850, ठीक हो गया। अब विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। X200 इसमें कितने वेरियंट है? इसमें 3 है, एक आती है अपना विदाउट टर्बो के, ठीक है, एक आते फिर टर्बो के साथ, ठीक हो एक गया। आता है टर्बो एसी के साथ, टर्बो एसी के साथ जी। जो मौजूदा मेरे पास ये गाड़ी खड़ी है ये टर्बो है सर, ठीक हो गया। इसका ये इसकी जो मौजूदा प्राइस है वो 2775 है, ठीक हो गया। ये इसका डेक जो है वो अपना 10.2 फीट है, ठीक हो गया। शेजोर जितनी गाड़ी है, ठीक है, 3 टन पास है, ठीक हो गया। टर्बो है, 2771 सीसी इसका इंजन है, ठीक हो गया। और शेजोर से काफ़ी ये हैवी गाड़ी है। अच्छा, इसका इंजन और इसका इंजन सेम है? इंजन सेम है, ये टर्बो है। अच्छा, तमाम गाड़ियों के इंजन सेम है, इसकी शेप ज़रा मुख्तलिफ है और 10.2 फीट इसकी बॉडी है। और इसका जो है ये विदाउट टर्बो है? ये विद टर्बो है। अच्छा, ये विद टर्बो है, इसमें विदाउट टर्बो भी आता है, विद टर्बो भी आता है। अच्छा, विदाउट टर्बो की क्या प्राइस आपने बताई? विदाउट टर्बो जो है वो अभी उसकी प्राइस अभी डिसाइड नहीं की इन्होंने। अच्छा, लेकिन तकरीबन वो भी 27.5 के लगभग उसकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो टर्बो वाली है वो 2775 है, अभी इसकी प्राइस आगे बढ़ रही है। अच्छा, आगे बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा प्राइस 2775 है। अच्छा, अभी आइंदा या कब तक? अच्छा, ये कम तक इसकी प्राइस जो है वो 2775 है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के। आप मौके से फ़ायदा उठाएं, पाकिस्तानी ट्रक थ्रू के चैनल के हवाले से आप इनको फ़ोन करें, नंबर इनका स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद भी डिस्काउंट होगा। इसके बाद से हम चलते हैं अगले वेरिएंट की जानिब जो है X200। इंजन इन तमाम के तमाम का सेम है, इसमें एसी भी लगी हुई है। इसकी प्राइस वगैरह हमें बताएँ? इसकी जो मौजूदा प्राइस है वो 2.5 है, ठीक हो गया। इसमें एसी जो है लगे हुए फिटेड, ठीक है, और टर्बो इंटरकूलर भी है, टर्बो, ठीक हो। इंटीरियर हमें दिखाएं इसका सर, इसकी बॉडी वगैरह जो है वो तमाम सेम है और इंजन भी जो है वो तमाम वेरिएंट के सेम है, 2771 सीसी है। प्राइस जो है इसकी विदाउट ट्रांसपोर्टेशन मतलब 35,000 रुपये आपको इसमें और ऐड करने पड़ेंगे, 28,50,000 रुपये और 35,000 और मिला के। इसका आप इंटीरियर चेक कर लें, माशाल्लाह खूबसूरत इंटीरियर है इसका काफ़ी। अगर मैं आपको अपनी तरफ से कहूं कि इसकी जो मटेरियल वाइज है, इसकी लुक है, मुझे बहुत पसंद आई है। इसका जो बाहर से इन्होंने ये तमाम फिनिशिंग दी हुई है, इसका ये जो लोगो इन्होंने बनाया हुआ है बहुत ही बेहतरीन किस्म का। ये इंडिकेटर आप चेक कर सकते हैं, इसकी लाइट यहाँ पे लगी हुई है। इसकी जो फ्रंट की लुक है मुझे बहुत पसंद आई है। इसकी जो प्राइस बता रहे हैं वो है 28,50,000 रुपये। इसमें टर्बो इंटरकूलर भी है, एसी भी है। ये 3S डीलरशिप है, यहाँ पे सेल आउट भी करते हैं गाड़ियाँ, इनके ऑटो पार्ट्स वगैरह भी हैं, सर्विस भी है, मुकम्मल डिटेल। अभी एक गाड़ी है, एक इनके पास आई है, 2 माह पहले इन्होंने ख़रीदी हुई थी और भाई कह रहे थे कि एक साथ इन्होंने 25 गाड़ियों का ऑर्डर दिया है। तो अभी हम इनसे रिव्यू लेते हैं कि ये भाई इस गाड़ी से मुतमईन है या नहीं। इसकी लुक तो मुझे बहुत पसंद आई है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। क्या हाल चाल है, खैरियत से? शुक्र। कितने अरसे से गाड़ी आप चला रहे हैं? 2 माह से चला रहा हूँ। अच्छा, ठीक होगी। गाड़ी आपकी बिल्कुल ये लग रही है कि 2 माह से ही चला रहे हैं, क्योंकि ये शापर वगैरह अभी भी लगे हुए हैं। क्या आप गाड़ी से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
गाड़ी ये आप लिहाज से भी अच्छा वो इसका टेन्योर है जो चलने में, और पहाड़ी इलाका है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहाड़ी इलाके में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये टर्बो समेत है या विदाउट टर्बो या एसी है? अच्छा, विदाउट टर्बो है, ठीक हो गया। मतलब इसमें एसी भी नहीं है, टर्बो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इससे मुतमईन हैं। चलें जी, शुक्रिया। ये लोगो आपने चेक कर लिए, ये विदाउट एसी और विदाउट टर्बो है। इसका लोगो इस तरफ है, इस तरह है, और जो दूसरा है उसका ज़रा मुख्तलिफ है। दोस्तों, मौके का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी ट्रक रेफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आएँ और यहाँ से गाड़ी परचेज़ करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।